हेलो डिफेंस असलन, जैसे आपको पता है इंडियन नेवी के मेडिकल असिस्टेंट की मेरिट लिस्ट का डेट मैंने आपको बताया था और ये आउट भी कहीं ना कहीं हो चुका है। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट आपका निकलेगा। कट ऑफ मार्क्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये सारे चीज़ें की जो आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले, क्या मेरे पास ऐसे फिक्स डाटा है जो कट ऑफ्स को लेके? जी नहीं, मेरे पास कोई फिक्स डाटा नहीं है। मैं आपको अप्रोक्स बताऊँगा कि कितना कट ऑफ आप सभी के स्टेट में जा सकता है, ये चीज़ें बताऊँगा। अप्रोक्स डेट आपको बताऊंगा, जो डेट है वो कंफर्म है 99% आपका 25 तारीख से लेके 30 तारीख, 25 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम का जो निकल जाएगा, जो रिजल्ट निकल जाएगा, और निकलने के बाद आपकी क्या हो जाएगा, जो नवंबर में आपकी ज्वाइनिंग है, इसलिए कोई डाउट नहीं रखना। आपकी 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक आपकी रिजल्ट आपके सामने होगा। दूसरी चीज़ याद रखना, कोई भी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट नहीं है, ऑल जो स्टेट है स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट है। जिस स्टेट की जितने सीट की वैकेंसीज है और वो कॉन्फिडेंशियल है, वो आपको बताया नहीं जाएगा। इस बार क्वेश्चन को देख के, अगर हम क्वेश्चंस देखें, जैसे हमने क्वेश्चंस देखा है वो काफ़ी मॉडरेट हाई था, यानी आपके जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी लो जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन मॉडरेट हाई पे चला जाता है, देखिए लेवल कैसे होता है, लो होता है, फिर मॉडरेट लो होता है, फिर मीडियम होता है, ठीक है, उसके बाद मॉडरेट हाई होता है और फिर हाई होता है। हाई वाला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं था, मॉडरेट हाई था, मतलब थोड़ा मीडियम साइज क्वेश्चन से ऊपर था, थोड़ा सा डीपली जाके पूछा था, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं गया था और बहुत ज़्यादा ऊपर से भी नहीं पूछा था, तो वहाँ पर मॉडरेट हाई क्वेश्चन था। और मॉडरेट हाई क्वेश्चन में जीके वाला पार्ट्स थोड़ा हाई था, जितने भी हमने लोगों से बात किया है, तो जीके वाला पार्ट्स को लेके थोड़ी सी वहाँ पर ज़्यादा ही कुछ है कि हाँ जीके सर थोड़ा सा हार्ड था, बाकी सारे क्वेश्चन मतलब लगभग मीडियम स्टैंडर्ड्स के थे। तो इस हिसाब से आपके 100 मार्क का यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें पास मार्क है आपकी 40 मार्क्स रखोगे तो आप पास हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जब मेरिट लिस्ट निकलेगा ये 40 वाले को कंसीडर तो करेंगे, लेकिन जो मेरिट लिस्ट में जो टॉप नंबर सिक्योर से होंगे उनको वहाँ पर नाम जाएगा। तो अगर मेरा देखा जाए तो टोटल 300 पोस्ट है पूरा इंडिया में, 300 पोस्ट की ही वैकेंसी है, और आपको ये कम लग रहा होगा, लेकिन अगर इंडियन नेवी की संस्था देखे, 60,000 की स्ट्रेंथ है, उसमें भी अगर 300 पोस्ट मेडिकल असिस्टेंट की है तो बहुत, मेरे लिए तो बहुत बड़ा पोस्ट है, ठीक है। और आगे जाके ये 300 पोस्ट आपको देखने नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर जब भी वैकेंसी आएगा देखना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आएगा, उससे ज़्यादा कहीं नहीं वैकेंसी आएगा आपका, ठीक है। 100 तो बहुत मुश्किल से आएगा, ठीक है। जैसे आर्मी में सिपाही फर्मा कितने आता है, 50 पोस्ट की वैकेंसी आता है पूरे होल इंडियन आर्मी में, ठीक है, 50 पोस्ट आता है। तो यहाँ पर भी ये वही 50-70 देखने के लिए मिलेगा। आप बोलोगे कि ये 300 कैसे आ गया? फिर इस बार 300 इसलिए आ गया कि पिछले 2-3 साल से कोरोना चल रहा है, वहाँ पर रैलियाँ भर्तियाँ नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ पर पूरा वो 3 साल का 300 पोस्ट आपको दे दिया। अगले साल से ये 70-75 हाईएस्ट 100 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगले साल ये फिर आएगा, और हमने जैसे बोला है कि इंडियन नेवी अगर अगले साल चेंज करता है मार्क बेसिस में सिलेक्शन ना करके, सिर्फ जो INAT होता है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, उसके हिसाब से अगर टेस्ट होता है, 40% वालों को भी मौका देता है, 50% वालों को, सारे को एग्जाम में बैठने के लिए, काफ़ी अच्छा होगा। हम कहीं ना कहीं उसके लिए वॉइस रेज करेंगे, और आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। जो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर ऑफिशियल वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो क्वेश्चन के हिसाब से जो भी मार्क्स है, अगर आपकी 65 से लेके 70% है, 65 से लेके 70 मार्क्स आपके बन रहे हैं, जैसे आपने आके कैलकुलेट किया होगा, अगर 65 से लेके अगर 70 मार्क है तो आपकी यहाँ पर सिलेक्शन कंफर्म मान लीजिए। उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, 70 मतलब उससे नीचे नहीं आएगा, 65 से नीचे कट ऑफ नहीं आएगा, और 65 से लेकर 70, 70, 80, 80 ऊपर जाते रहिए, वहाँ पर आपकी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन कोई कोई स्टेट ऐसा भी है जहाँ पर 40-50 में भी सिलेक्शन हो जाए, जैसे छोटा छोटा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, या जैसे जैसे यूनियन टेरिटोरीज है छोटा छोटा, तो वहाँ पर 42, 45, 47, 50 में भी वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मेन स्टेट की, आप कौन सी स्टेट में आप एग्ज़ाम दिया है, अगर कौन सी स्टेट से दिया है आप नीचे कमेंट करेंगे तो हम एग्जैक्ट नंबर आपको बता देंगे कि इतने मार्क्स के ऊपर अगर आप कैलकुलेट किए हैं आपका नंबर से, तो आप मान सकते हैं यहाँ पर आपकी पक्का मेरिट लिस्ट में आपकी नाम आएगा, ठीक है। मैंने आपके यहाँ पर डेट आपको बता दिया, 25 के बाद और 31 से पहले, ठीक है। मेरिट लिस्ट का जो कटअप आपको बता दें, 65 से ऊपर जाएगा, एक अप्रोक्स कटअप लगाया, लेकिन स्टेट वाइज वेरी करेगा। आप स्टेट वाइज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, हम आपको स्कोर बताएंगे कितने स्कोर के ऊपर आपकी श्योर शॉट ये जॉब मिल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से और भी अगर आपका कुछ डाउट है, आपको बता दिया नवंबर में आपको एग्ज़ाम वहाँ पर जाके पहुँचना है चिल्लिका में, और आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा
इसके अलावा और कुछ डाउट्स है आप नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।